गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम साइंस की वर्कशीट करेंगे। इसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे, पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब भोजन हमें कहाँ से मिलता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है, पौधों से मिलता है और जंतुओं से, जैसे दूध वगैरह मिलता है। जो जंतु केवल पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी। जैसे कि कौन से होते हैं, भैंस, बकरी, गाय, घोड़ा, ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी जानवर। जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी। जैसे कि शेर, चीता और ये क्या होते हैं, ये मांसाहारी जानवर। जो जंतु पौधे तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी। जैसे कि जो पौधे से बनी चीजें या अनाज वगैरह भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, जैसे कि भालू, कुत्ता, कुत्ता रोटी भी खाता है, दूध भी पीता है, इसके साथ साथ मांस भी खाता है। ऐसे बिल्ली दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है, मांस भी खाती है, ये तो ये क्या होते हैं, सर्वाहारी जानवर, जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं। हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा भोजन संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें विटामिन व प्रोटीन की आवश्यक मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए, हर तरह का जिसमें प्रोटीन, विटामिन और ये हमारा क्या होता है, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। कॉलम एक में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम दो में कीजिए। दूध, दही, पनीर, घी, ये क्या है, इसमें से सभी जंतु उत्पाद है, मतलब कि जंतुओं से मिलते हैं हमें। पालक, फूलगोभी और गाजर, ये क्या है, सब्जियां। शेर एवं बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी हैं। शाकाहारी पेड़ व उसके उत्पाद खाते हैं। अब दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दे रखे हैं, इनमें से देख के आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, इसमें से क्या है बाघ, मांसाहारी, मांसाहारी। हिरण केवल पेड़ों के उत्पाद खाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। मांसाहारी को इंग्लिश में कार्निवोरस बोलते हैं और शाकाहारी को इंग्लिश में हर्बीवर्स बोलते हैं। तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, किसके उत्पाद खाता है, पौधे के। जो डैश हम पीते हैं प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। क्या पीते हैं हम जो हमें जंतु से मिलता है, दूध। ये हमें जंतुओं से, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनसे मिलता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद है। हमें चीनी डैश से मिलती है, चीनी किससे बनती है, गन्ने से। थैंक यू।